तो चलिए परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से एक बार फिर से हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने ये समय दिया है, ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीख सकें और परमेश्वर के वचन को सीख करके हम परमेश्वर के वचन के ज्ञाता बनने की कोशिश करें ताकि हम दूसरों को भी सही बातें सिखा सकें। और जो विषय हमने कल से आरंभ किया था उसी विषय को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और हम कल से स्वर्गदूतों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। और हमने इस बात को देखा था कि बाइबल में जिन स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया है वो स्वर्गदूत जो हैं वो सिर्फ पोस्टमैन का काम नहीं करते हैं, सिर्फ मेल डिलीवर करने का काम नहीं करते हैं, लेकिन उन स्वर्गदूतों के पास और भी दूसरे बहुत सारे काम हैं जिनको वो करते हैं। और अलग अलग कैटेगरी के स्वर्गदूत हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के, अलग अलग उनके काम हैं, उनके फंक्शंस हैं। उन सब बातों को हमने कल देखा था और हमने इस बात को भी कल देखा था कि जो स्वर्गदूत हैं उनमें से कुछ स्वर्गदूत जो है वो मंत्री लेवल के हैं, मिनिस्टर्स लेवल के हैं और वो परमेश्वर की डिवाइन काउंसिल के अंदर डिसीजन मेकिंग में अपने सुझाव देते हैं और परमेश्वर को यदि वो सुझाव पसंद आते हैं तो परमेश्वर उन सुझाव के ऊपर अमल भी करता है। इस बात को हमने कल देखा था और हमने इस बात को भी देखा था कि स्वर्गदूत जो है उनका मुख्य काम ये है कि जो भी डिसीजन परमेश्वर स्वर्ग के अंदर लेता है उस डिसीजन को उन कानूनों की पालना जो है वो सख्ती के साथ पृथ्वी के ऊपर कराई जाए। और हमने इस बात को भी देखा था कि स्वर्गदूत क्योंकि अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबल तरीके से करने में विफल हो जाते हैं इस वजह से पृथ्वी के ऊपर पाप जो है वो अपने चरम के ऊपर पहुंच जाता है। तो इन सब बातों को हमने कल के अपने अध्ययन में देखा था। अब हम इसी अध्ययन को आगे लेकर के जाएंगे और आज हम इस बात को देखेंगे कि बाइबल के अंदर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया है और बाइबल के अंदर उनको खास जगह दी गई है, परमेश्वर ने उनको खास इंपॉर्टेंस दी है। हम सिर्फ जिब्राइल और मिकाइल के ऊपर ही अटक करके रह जाते हैं लेकिन बाइबल में मिकाइल और जिब्राइल से भी ज्यादा काम दूसरे स्वर्गदूतों का होते हुए या दूसरे स्वर्गदूत करते हुए हमको बाइबल के अंदर, बाइबल के लेखों के अंदर दिखाई दे जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ स्वर्गदूतों को देखने जा रहे हैं और सबसे बढ़कर हम परमेश्वर की सेना का जो सुप्रीम कमांडर है उसकी आइडेंटिटी को खोजने की, उसकी आइडेंटिटी जो पुराने नियम के अंदर बताई गई है उसको जानने की कोशिश करेंगे और हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि वो कौन है जो परमेश्वर से सिर्फ एक पायदान नीचे है, उसके पास स्वर्ग की पूरी अथॉरिटी है, सारे स्वर्गदूत उसके अंडर में आते हैं, वो आखिर सुप्रीम कमांडर कौन है। तो हम अपने अध्ययन को प्रारंभ करते हैं और पुराने नियम के अंदर एक महत्वपूर्ण स्वर्गदूत के बारे में बताया गया है और उस महत्वपूर्ण स्वर्गदूत के बारे में सिर्फ एक स्थल पर नहीं लेकिन अलग अलग स्थलों के ऊपर उस महत्वपूर्ण स्वर्गदूत के बारे में बताया गया है और उसको बाइबल के अंदर पुराने नियम के अंदर उसको यहोवा का दूत यानी एंजल ऑफ यहवे उसको कहा गया है। और ये यहोवा का दूत जो है इसके लिए यहूदी लोगों की ये मान्यता रही है 3500 सालों से कि ये यहोवा का दूत नाम का जो स्वर्गदूत बाइबल के अंदर बताया गया है ये कोई और नहीं लेकिन ये खुद यहोवा परमेश्वर हुआ करता था जो स्वर्गदूत के रूप में पृथ्वी पर काम करने आया करता था। और यहूदी लोगों के अंदर 3500 सालों से एक मान्यता प्रचलन के अंदर है और वो मान्यता ये है कि परमेश्वर जो है यहवे जो है या यहोवा जो है उसके दो रूप है, एक तो इनविजिबल यहवे है जिसको जो दिखाई नहीं देता है और एक विजिबल यहवे है जो दिखाई देता है। और ये यहोवा का दूत जो है
यानी कि एंजल ऑफ याहवे जो है ये वही विजिबल परमेश्वर है जिसको आंखों से देखा जा सकता है। और पुराने नियम के अंदर इस स्वर्गदूत के द्वारा हम बहुत सारे काम होते हुए देखते हैं। तो यहूदी लोग जो इस बात को आज कहते हैं यीशु मसीह की आइडेंटिटी को पूरी तरह से खारिज कर देने के लिए, ट्रिनिटी को पूरी तरह से खारिज करने के लिए, वो कहते हैं कि यहोवा हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, उसके तीन रूप नहीं है। और वो कहते हैं कि क्रिश्चियंस लोग जो ट्रिनिटी को फॉलो करते हैं वो गलत फॉलो करते हैं, क्योंकि यहोवा एक ही परमेश्वर है। जबकि खुद उनकी ही टीचिंग जो है वो इस बात को बताती है कि वो परमेश्वर के दो रूपों को मानते हुए आए हैं 3500 सालों से। विजिबल यहोवा यानी कि वो यहोवा जो आंखों से दिखाई देता है, और वो यहोवा जो आंखों से दिखाई नहीं देता है वो इनविजिबल यहोवे है। तो यहूदी लोग इस बात को मानते हैं। और निर्गमन उसका 23 अध्याय 20 से लेकर 22 वचन के अंदर यहोवा के दूत के विषय में बताया गया है। निर्गमन उसका 23 अध्याय 20 से लेकर 22 में यहोवा के दूत के बारे में खुद परमेश्वर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात मूसा को बताई थी। हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं जहां पर परमेश्वर यहोवा के दूत के बारे में मूसा को दो बहुत महत्वपूर्ण बातें बताता है। और ये दो महत्वपूर्ण बातें यदि आप समझ जाते हैं तो यहोवा के दूत की आइडेंटिटी जो है वो आपके सामने खुलनी शुरू हो जाएगी। इतना इंपॉर्टेंस तो परमेश्वर ने जिब्राइल को वचन में नहीं दिया है, इतना इंपॉर्टेंस तो परमेश्वर ने मिकाइल को वचन के अंदर नहीं दिया है, जितना इंपॉर्टेंस परमेश्वर इस दूत को मूसा के सामने दे रहा है। तो निर्गमन उसका 23 अध्याय 20 से लेकर 22 वचन में आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुन मैं एक दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। यहां पर परमेश्वर मूसा को दो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें इस दूत के लिए, यहोवा के दूत के लिए बताता है। और पहली महत्वपूर्ण बात परमेश्वर कहता है कि ये दूत जो है वो पाप क्षमा नहीं करेगा। अगर तुमने कोई गलती कर दी तो ये तुमको क्षमा नहीं करेगा, यानी कि पाप क्षमा करने का अधिकार जो था वो यहोवा के दूत के पास था। यहां पर खुद ही परमेश्वर के द्वारा बोला गया है। दूसरी बात परमेश्वर ने यहां पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है, यहां पर परमेश्वर कहता है कि मेरा नाम जो है वो उसके अंदर रहता है। मेरा नाम, देखिए आज यहूदी लोग जो हैं वो परमेश्वर को याहवे नाम से नहीं पुकारते हैं, वो या तो परमेश्वर को अदोनाय कहते हैं और या फिर वो परमेश्वर को हाशेम कहते हैं। और ये हाशेम, अदोनाय का मतलब तो होता है प्रभु, लेकिन हाशेम का क्या मतलब होता है हिब्रू भाषा में? हाशेम का मतलब होता है नाम, यानी कि सिर्फ वो परमेश्वर को नाम कहते हैं। और परमेश्वर कहता है कि मेरा नाम जो है वो मैंने इस दूत के अंदर रख दिया है, और वो दूत जो है उसके पास पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। स्वर्ग दूत कैसे किसी मनुष्य का पाप क्षमा कर सकता है, कैसे क्षमा कर सकता है? लेकिन परमेश्वर तो यहां पर बोल रहा है, जब यीशु ने फरीसियों के सामने इस बात को कहा कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, तो वहां पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई और उन लोगों ने कहा कि परमेश्वर को छोड़ करके और तो कोई भी पाप को क्षमा नहीं कर सकता, इसलिए वो यीशु मसीह के दुश्मन बन गए।
क्योंकि यीशु ने कहा था कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो यहां पर जब ये कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी कि वो यीशु मसीह के दुश्मन बन गए थे इस बात के लिए कि यीशु ने बोल दिया था तेरे पाप क्षमा हुए, उन्होंने कहा परमेश्वर को छोड़ करके और कोई भी पाप क्षमा नहीं कर सकता है। तो यहां पर जब परमेश्वर कह रहा है कि वो दूत जो है वो तुम्हारा पाप क्षमा नहीं करेगा, उसका साफ अर्थ है यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं कि यहां पर ये यहोवा का दूत जो था वो कोई स्वर्ग दूत नहीं था, लेकिन यहोवा जो था वो विजिबल रूप में, दृश्य रूप में मूसा के सामने दिखाई दे रहा था। ये विजिबल यहवे था। और देखिए यहूदी लोग कहते हैं कि ये यहोवा का दूत जो मूसा और इसराइलियों के आगे आगे चल रहा था ये खुद परमेश्वर था, उसका विजिबल फॉर्म था। याकूब को जो दर्शन दिखाई दिया था बेतेल में, बेतेल वाला दर्शन जो था, उस बेतेल वाले दर्शन के अंदर याकूब ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है इसी यहोवा के दूत के बारे में। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 31 अध्याय 11 से लेकर 13 वचन जब हम पढ़ें तो वहां पर यही यहोवा के दूत के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात याकूब ने अपने दर्शन के विषय में बताई। उत्पत्ति उसका 31 अध्याय 11 से लेकर 13 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा। यहां पर याकूब का बेतेल वाला दर्शन जो है उसको कनेक्ट कर रहा है याकूब वापस से। बेतेल का दर्शन जो उसने देखा था वो दर्शन आखिर क्या था उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो यहां पर दिया जा रहा है। यहां पर लिखा है, तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा। परमेश्वर के दूत ने कहा यानी कि यहोवा के दूत ने कहा, हे याकूब। मैंने कहा क्या आज्ञा? उसने कहा आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धप्पे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं जहां तूने एक खंभे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। यहां पर क्या बात बताई गई है? यहां पर इस बात को बताया गया है कि एक स्वर्गदूत जो था जिसको परमेश्वर का दूत यानी यहोवा का दूत कहा गया है। कौन सा यहोवा का दूत? वही दूत जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि मेरा नाम उसके अंदर रहता है और वो पाप क्षमा करने का अधिकार भी रखता है। यहोवा का दूत जो था वो दिखाई दिया सपने में और उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं वही बेतेल का परमेश्वर हूं जो तुझको दिखाई दिया था। यहां पर ये यहोवा का दूत अपनी पहचान क्या बता रहा है? ये अपनी पहचान यहोवा के दूत के रूप में सामने रख रहा है कि मैं खुद ही परमेश्वर हूं, यानी कि विजिबल यहवे जो था, जो परमेश्वर दिखाई देता था, उसके बारे में यहां पर बताया गया है। उसी के बारे में यहां पर बताया गया है। देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसा प्रोटोकॉल हुआ करता था कि जो संदेशवाहक होता था या राजदूत जो होता था उसकी जुबान जो होती थी वो इस प्रकार की होती थी कि जब वो संदेश लेकर के जाता था राजा का तो वो राजा के बिहाफ पर बोला करता था और वो कहा करता था कि मैं ऐसा कह रहा हूं, यानी कि वो राजा बन करके दूसरों को संदेश सुनाया करता था। तो कई सारे स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि यहां पर उसी प्रोटोकॉल को उपयोग किया जा रहा था, उसी प्रोटोकॉल का। लेकिन यहूदी रब्बी इस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं और यहूदी रब्बी कहते हैं कि यहां पर जो राजा का संदेश लेकर जाने वाला दूत होता था उस प्रोटोकॉल का यहां पर उपयोग नहीं किया गया है, यहां पर विजिबल यहवे जो था उसकी बात जो है वो की गई, इसलिए यहूदी रब्बी उस प्रोटोकॉल को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। अब याकूब जब एक जगह के ऊपर पहुंचा, जब वो रिटर्न हो रहा था
वापस से कनान देश आ रहा था मामा जी के यहाँ से। मामा जी तो गद्दार और धोखेबाज निकले, तो याकूब जब वापस से लौट रहा था तो रास्ते के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिसको आप पढ़ते तो हैं लेकिन उसको कभी समझते नहीं। और वो घटना क्या घटी थी? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय 24 और 25 वचन में इस समय आपके सामने पढ़ रहा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय 24 और 25 वचन के अंदर लिखा हुआ है, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा, कोई पुरुष आया है, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मलयुद्ध करते करते चढ़ गई। इसी का 28 से 30 वचन भी मैं पढ़ रहा। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। तो ये पुरुष जो याकूब से मलयुद्ध कर रहा था, इसकी पहचान क्या थी? इसकी पहचान ये थी, यहां पर कहा है कि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से युद्ध करके प्रबल हुआ है। अपनी पहचान बता रहा है। याकूब ने उससे कहा, मैं विनती करता हूं मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। तो ये पुरुष जो आया था, जिसके साथ याकूब का मलयुद्ध हुआ था, ये पुरुष जो था, इसकी पहचान जो थी वो ये थी कि परमेश्वर इससे मलयुद्ध कर रहा था। और उसने जब उस स्थान का नाम पनीएल रखा तो उसने कहा कि मैंने परमेश्वर को आमने सामने देख लिया। ये यहोवा का दूत था, एंजल ऑफ यहवे था, विजिबल यहवे था, जिसके लिए यहूदी लोग कहते हैं कि परमेश्वर खुद एक दूत के रूप में कभी कभी पृथ्वी के ऊपर काम करने आया करता। ये यहवे का दूत जो था, यहोवा का दूत जो था, ये वो था जिसको परमेश्वर ने पाप क्षमा करने की अथॉरिटी दी थी। ये यहोवा का दूत जो था वो था जिसमें परमेश्वर ने अपना नाम रखा था, हाशेम परमेश्वर ने उसके अंदर रखा था। और ये यहोवा का दूत वो था जो कि विजिबल यहवे था, जिसको यहूदी लोग आंखों से देख सकते थे। और ये यहोवा का दूत कौन था? इसकी पहचान यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर बताई गई कि वास्तव में ये यहोवा का दूत जो पुराने नियम के अंदर काम कर रहा है, कि वास्तव में था कौन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 11 से लेकर 12 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु ने जो बात बोली वो हमको इस यहोवा के दूत से पूरी तरह से मिलती हुई दिखाई देती है। मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। परमेश्वर का नाम हाशेम जो नाम था, जो कि यहोवा के दूत में रखा गया था, वो नाम जो था, यीशु ने कहा तूने मुझे दिया है। तो ये यहोवा का दूत, एंजल ऑफ यहवे, जिसके बारे में पुराने नियम के अंदर लिखा हुआ है, ये वास्तव में कौन था? ये यीशु मसीह था, जिसकी पहचान नए नियम के अंदर आकर के खुल जाती है। क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार जो परमेश्वर ने दिया था वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह को परमेश्वर के द्वारा दिया गया था। पाप क्षमा करने का, न्याय करने का सारा अधिकार मनुष्य के पुत्र को दिया गया है,
यीशु मसीह ने कहा, और इसीलिए यीशु ने बार बार अपनी सेवकाई के अंदर कहा कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। वो अधिकार जो था वो परमेश्वर ने, वो विजिबल याहवे था जो था, वो यीशु मसीह के रूप में हमको पुराने नियम में दिखाई देता है। ये विजिबल याहवे के विषय में, जिसके लिए यहूदी लोग कहते हैं कि परमेश्वर विजिबल रूप में दिखाई देता है एक दूत के रूप में, इसके बारे में भी यीशु ने एक बात बोली। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 9 वचन के अंदर वहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने जब फिलिपुस ने कहा कि परमेश्वर को हमको दिखा दे यही बहुत है, तो यीशु ने वो दावा किया जो कोई स्वर्ग दूत दावा नहीं कर सकता है। यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। यानी कि वो विजिबल याहवे जो पुराने नियम के अंदर था, यहोवा का दूत, एंजल ऑफ याहवे था, वो मैं ही हूं, जिसने मुझे देख लिया उसने याहवे परमेश्वर को देख लिया। तो ये यहोवा का दूत, जिसकी अथॉरिटी इतनी ज्यादा बाइबल के पुराने नियम के अंदर बताई गई है, ये पुराने नियम के अंदर यीशु मसीह ही था जो कि परमेश्वर के रूप में काम कर रहा था, यहोवा के दूत के रूप में, विजिबल याहवे के तौर पर वो काम कर रहा था। अब यहां पर जब हमने इस बात को देखा कि याकूब के साथ एक यहोवा का दूत जो था वो मलयुद्ध करता है, और यहोवा का दूत कौन है, हमने देखा यीशु मसीह यहोवा के दूत के रूप में सामने आता है नए नियम में। और यहां पर जब याकूब के साथ यहोवा के दूत का मलयुद्ध हुआ और याकूब ने उससे लड़ाई करी, उसका छोड़ा नहीं, ये इस बात की भविष्यवाणी थी कि जब यहोवा का दूत पुत्र के रूप में इस संसार में आएगा तो इज़राइल जो होगा वो ईश्वर से लड़ने वाला बन जाएगा, वो उसको पहचान नहीं पाएगा, वो ईश्वर से लड़ने वाला हो जाएगा। और जब यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के रूप में आया तो इज़राइल ने परमेश्वर के साथ वैसा ही मलयुद्ध किया जैसा कि याकूब ने यहोवा के दूत के साथ किया था। तो ये एक भविष्यवाणी थी जो वहां पर प्रकट की गई थी कि भविष्य में क्या होगा। इज़राइल उसका नाम रखा गया, इज़राइल का मतलब होता है ईश्वर से लड़ने वाला, इज़राइल जो है वो ईश्वर से लड़ने वाला बन गया था। तो यहोवा के दूत की पहचान जो है वो नए नियम के अंदर आकर के हमको पता चल जाती है। उसके बाद दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण दूत के बारे में पुराने नियम के अंदर बताया गया है, जिसका औदा भी जिब्राइल और मिकाइल से भी बहुत बड़ा हमको जाता हुआ दिखाई देता है। देखिए, आप लोग तो आज तक जिब्राइल और मिकाइल के ऊपर ही अटके हुए थे, और पूरा स्वर्ग जो है वो उसमें सिर्फ दो ही स्वर्गदूत शायद आप लोग मानते थे, जानते थे, जिनका नाम था जिब्राइल और दूसरे का नाम था मिकाइल। लेकिन अब जब बाइबल आपके सामने खुलती चली जा रही है, हालांकि कुछ लोगों को नींद आती हुई दिखाई दे रही है मुझको, वो अलग बात है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें आपको कहीं से भी पता नहीं चल सकती है, कहीं से भी आप जिंदगी भर इंटरनेट के ऊपर भी ढूंढते रहें तो भी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये एक रिसर्च वर्क है, ये रिसर्च एक शोध है जो मैंने किया है, वो शोध जो है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तो अगर आप लोगों को ये सब बातें सुन के नींद आ रही है तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो चलिए, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्वर्गदूत पुराने नियम के अंदर बताया गया है, उसको यहोवा की सेना का प्रधान कहा गया है, यानी कि कमांडर ऑफ यहवेज आर्मी उसको कहा गया है। ये परमेश्वर की सेना का प्रधान है, और यहोवा की सेना का प्रधान इसको कहा गया है। ये बेनाम कमांडर है, इसका कोई नाम नहीं बताया गया है, लेकिन इस बेनाम कमांडर के बारे में यहोशू की पुस्तक उसका 5:13-15 के अंदर बताया गया है इस बेनाम कमांडर के बारे में। और जब यहोशू एक स्थान के ऊपर होता है तो वहां पर उसको एक पुरुष जो था
वो हाथ में नंगी तलवार लिए हुए खड़ा दिखाई देता है और यहोशू उससे कहता है कि तू हमारी ओर से है या तू हमारे शत्रुओं की ओर से है। तो वो कहता है कि मैं तो उस परमेश्वर की सेना का प्रधान होकर के आया, मैं तो परमेश्वर की सेना का प्रधान हूं। अपनी पहचान जो है वो वहां पर वो दूत बताता है, परमेश्वर की सेना का प्रधान, कमांडर ऑफ यहवेज आर्मी। उसके बाद ये दूत जो होता है वो यहोशू को वही आज्ञा देता है जो आज्ञा सीने पर्वत पर मूसा को दी गई थी। और सीने पर्वत पर जब मूसा को जलती हुई झाड़ी दिखाई दी थी और जब मूसा उस झाड़ी को देखने के लिए पहुंचा था तो वहां पर झाड़ी में से आवाज आई थी कि अपने पैरों में से जूतियां या चप्पलें उतार दे। और यहां पर ये दूत जो है वो यहोशू को वही आज्ञा देता है कि अपने पैरों में से जूतियां या चप्पलें उतार दे। अब हमको यहाँ पर एक कनेक्शन देखने को मिलता है कि ये दूत जो है वो वही वचन बोल रहा है, वही बातें बोल रहा है और सीने पर्वत पर झाड़ी में से जो आवाज आई थी वो भी वही आवाज आई थी, वही आज्ञा जो है वो दी गई थी। तो सीने पर्वत के ऊपर झाड़ी में से जब परमेश्वर ने बोला तो यहाँ पर तो दूत बोल रहा है, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने झाड़ी में से बोला, यहाँ पर यहोवा की सेना का प्रधान जो था वो बोल रहा था। लेकिन प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय और उसका 30वां वचन जब आप पढ़ेंगे तो प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसके 30वें वचन के अंदर बताया गया है कि झाड़ी में से एक स्वर्ग दूत ने मूसा से बात करी थी। एक दूत था, यहोवा का दूत था, उसने मूसा से बात करी थी, यानी कि मूसा से जो बात कर रहा था वो यहोवा का दूत था और यहां पर यहोशू से जो बात कर रहा था वो भी एक स्वर्गदूत ही था। यानी कि ये दोनों व्यक्ति जो थे वो एक ही व्यक्ति थे, इसलिए इन्होंने एक जैसी आज्ञा ही मूसा और यहोशू को अलग अलग समय के अंदर प्रदान करी थी। झाड़ी में यहोवा का दूत दिखाई दिया था और यहां पर यहोशू को भी वही यहोवा का दूत जो था वो दिखाई दे रहा था। विजिबल यहवे जो था वो उसको दिखाई दे रहा था हाथ में नंगी तलवार लिए हुए। और देखिए ये परमेश्वर की सेना का जो प्रधान है ये कौन है? क्या ये एंजल ऑफ यहवे है जैसा कि हम मान रहे हैं, या ये एंजल ऑफ यहवे नहीं है, ये कोई और है? तो इसकी पहचान क्या बताई गई है बाइबल में? इसकी पहचान बताई गई है कि परमेश्वर की सेना का प्रधान कमांडर जो था, कमांडर इन चीफ जो था, इसके हाथ में नंगी तलवार लिए हुए ये खड़ा हुआ था। इसकी पहचान ये बताई गई। और बाइबल में इस वचन के अलावा 2 स्थलों पर और यही की यही पहचान जो है वो बताई गई है। कहां पर बताई गई है? गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 23वें वचन में, जब परमेश्वर के मना करने के बावजूद बिलाम भविष्यवक्ता इसराइलियों को श्राप देने जा रहा होता है, उस समय रास्ते में यहोवा की सेना का प्रधान नहीं, लेकिन वहां पर लिखा है यहोवा का दूत जो था, एंजल ऑफ यहवे जो था, हाथ में नंगी तलवार लेकर के खड़ा हुआ दिखाई दिया। यानी कि परमेश्वर की सेना का प्रधान जो है, इसकी पहचान गिनती उसका 22 अध्याय 23वें वचन के अंदर यहोवा के दूत के रूप में, एंजल ऑफ यहवे के रूप में बताई गई। दूसरी बात, पहला इतिहास उसका 21 अध्याय उसके 16वें वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक स्वर्गदूत जो है वो दाऊद को दिखाई देता है जो यरूशलेम का विनाश करने के लिए आता है। और दाऊद जब उसको देखता है तो पहला इतिहास उसका 21 अध्याय 16वें वचन में लिखा हुआ है कि दाऊद देखता है कि एक दूत जो था वो हाथ में नंगी तलवार लिए हुए यरूशलेम में खड़ा हुआ था, ठीक है, मोरिया पर्वत के ऊपर खड़ा हुआ था। और वहां पर उसकी पहचान क्या बताई गई है? वो दूत जो हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा हुआ था उसकी पहचान क्या बताई गई है?
उसकी पहचान बताई गई है कि यहोवा का दूत जो था वो हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा हुआ था। यानी कि परमेश्वर की सेना का प्रधान जो है, कमांडर ऑफ यहवेज आर्मी जो है, उसकी पहचान यहोशू में बताई गई है कि ये वो है जो हाथ में नंगी तलवार लिए हुए खड़ा है। और बाइबल के दो दूसरे वचन जो हैं वो उसकी पहचान बताते हैं कि एंजल ऑफ यहवे हाथ में नंगी तलवार लिए हुए खड़ा हुआ दिखाई दिया। तो कमांडर ऑफ यहवेज आर्मी जो है, परमेश्वर की सेना का सुप्रीम कमांडर जो है, उसकी पहचान बाइबल में बताई गई है कि वो यहोवा का दूत है, एंजल ऑफ यहवे है। और नए नियम में उस यहोवा के दूत की पहचान बताई गई है कि वो और कोई भी नहीं, वो खुद यीशु मसीह है। वो खुद यीशु मसीह है, सुप्रीम कमांडर परमेश्वर की सेना का, जिसके अंडर में सारे स्वर्गदूत आ जाते हैं। यीशु मसीह ही परमेश्वर की सेना का सुप्रीम कमांडर है। और इसका क्या एविडेंस है, हेलो, इसका क्या एविडेंस है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर की सेना का सुप्रीम कमांडर है? यहां पर मिकाएल के बारे में भी तो हो सकता है बताया जा रहा हो। तो हमारे पास क्या एविडेंस है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर की सेना का सुप्रीम कमांडर है? इसका एविडेंस ये है कि प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय के अंदर बताया गया है कि परमेश्वर की स्वर्गीय सेना जब पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रही है तो उसकी अगुवाई जो है वो मिकाएल नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी अगुवाई राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यानी यीशु मसीह उस सेना की अगुवाई कर रहा है। तो परमेश्वर की सेना का सुप्रीम कमांडर जो है वो यीशु मसीह है, जिसकी पहचान पुराने नियम के अंदर एंजल ऑफ यहवे के रूप में बताई गई है, यहोवा की सेना के प्रधान के रूप में उसकी पहचान बताई गई है। यानी सारे स्वर्गदूत जो हैं वो यीशु मसीह से नीचे हैं, क्योंकि बाइबल में भी पौलुस ने इस बात को लिखा है कि अपने बलिदान के द्वारा यीशु ने सारे स्वर्गीय स्थानों के ऊपर यीशु पहुंच गया, सारे स्वर्गदूतों के ऊपर उसका रैंक जो है वो परमेश्वर ने प्रदान कर दिया। यहां पर इसी बात को बताया गया है। उसके बाद तीसरा स्वर्गदूत जिसके बारे में पुराने नियम के अंदर बताया गया है, अभी हम सिर्फ पुराने नियम के अंदर जो स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया है उसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इसके थर्ड पार्ट में, इसी अध्ययन के थर्ड पार्ट में हम नए नियम के अंदर जो स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया है उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। तो तीसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्वर्गदूत जिसके बारे में पुराने नियम के अंदर बताया गया है, उसको डिस्ट्रॉयर एंजल कहा गया है, यानी विनाशक स्वर्गदूत उसको कहा गया है। देखिए, जिब्राइल और मिकाएल के अलावा कितने सारे स्वर्गदूत जो है वो पुराने नियम में से ही बाहर निकल के आते चले जा रहे हैं, और ये डिस्ट्रॉयर एंजल जो है इसके बारे में पहला इतिहास उसका 21 अध्याय और उसके 15वें वचन के अंदर बताया गया है। पहला इतिहास उसका 21 अध्याय उसके 15वें वचन, हम उस वचन को पढ़ लेते हैं क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण वचन है। यहां पर लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने एक दूत, देखिए बात को समझने की कोशिश करिए, यहां पर क्या बोला गया है, परमेश्वर ने एक दूत भेजा, एक दूत। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसका नाश करने को भेजा, और वे नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। अब ये नाश करने वाला स्वर्गदूत कौन था, एक दूत जो था वो कौन था? यहां पे लिखा है, उस समय यहोवा का दूत यानी एंजल ऑफ यहवे जो था वो यबूसी ओरनान के खलियान के पास खड़ा था, और वहीं पर ही दाऊद जो था उसने यहोवा के दूत के हाथ में एक नंगी तलवार को देखा। तो परमेश्वर ने एक दूत को भेजा यरूशलेम का नाश करने के लिए, और परमेश्वर ने जब मना किया तो
तो यहां पर लिखा है कि यहोवा का दूत जो था वो उस समय यबूसी ओरनान के खलियान के पास खड़ा था। तो यहां पे यहोवा के दूत की पहचान वापस से बताई गई है, उसको डिस्ट्रॉयर एंजल भी कहा गया है, नाश करने वाला या विनाशक स्वर्गदूत भी उसको कहा गया है। यानी यहोवा का दूत कौन है, वो विनाशक स्वर्गदूत भी है। यानी कि यहोवा का स्वर्गदूत, ये दूत जो है एंजल ऑफ यहवे जो है वो विनाश भी लेकर के आता है। और निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय 13वें वचन के अंदर, 21वें वचन के अंदर और 23वें वचन के अंदर, मैं वापस बोल रहा हूं, निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय 13 वचन, 21 वचन और 23वें वचन के अंदर इसी नाश करने वाले स्वर्गदूत के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर ने कहा था कि जिस जिस घर के ऊपर मैं मेमने का लहू देखूंगा, मैं देखूंगा, यानी कि कोई शैतान या कोई दुष्ट आत्मा वहां पर नहीं आई थी, परमेश्वर ने कहा था मैं खुद आऊंगा। विजिबल यहवे जो था, जो कि यहोवा के दूत के रूप में पुराने नियम के अंदर काम किया करता था, परमेश्वर ने कहा था जिस जिस घर पे मेमने का लहू लगा हुआ देखूंगा, मैं नाश करने वाले को उस घर के अंदर जाने नहीं दूंगा। नाश करने वाले, यहोवा का दूत जो कि डिस्ट्रॉयर एंजल है, वो मिस्र के अंदर उसने तबाही मचा दी थी, मिस्र के अंदर। और ये एक प्रकार की भविष्यवाणी थी कि जब विजिबल यहवे मानव शरीर के अंदर परमेश्वर का पुत्र बन के इस संसार में आएगा, तो जैसे मेमने के लहू के द्वारा मिस्रियों के अंदर तबाही मचा दी थी, उस विजिबल यहवे ने, यहोवा के दूत ने, परमेश्वर का पुत्र अपने लहू के द्वारा जब वो मेमना बन के आएगा तो अपने लहू के द्वारा शैतान के राज्य के अंदर वो तबाही मचा देगा। और इसीलिए पौलुस कुलुसियों की पत्री के अंदर कहता है कि यीशु मसीह ने तो क्रूस के ऊपर चढ़ करके प्रधानता और अधिकारियों का, शतान का, दुष्ट आत्माओं का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना के रख दिया था, इसलिए बोला गया है। अब आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह को, जो आज मसीही लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जो है हम कितने भी पाप कर ले वो हमको क्षमा कर देगा, हम चाहे कैसे भी कर ले, कुछ भी कर ले, हम तो जा करके माफी मांग लेंगे, यीशु मसीह प्रेमी है, माफ कर देगा। यीशु मसीह का एक कैरेक्टर जो है, यीशु मसीह बहुत प्रेम करता है, लेकिन उसका दूसरा कैरेक्टर जो है, उसका दूसरा एट्रीब्यूट जो है वो ये है कि उसकी पहचान पुराने नियम में विनाशक के तौर पर भी बताई गई है। और इसीलिए वो पृथ्वी के इस युग के अंत में विनाश करने के लिए आ रहा है। अब वो क्रूस पे चढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, अब वो विनाश करने के लिए आ रहा है। उसका एक एट्रीब्यूट ये भी है कि अब वो विनाशक के तौर पर इस संसार के अंदर आएगा। तो हमने देखा कि यीशु मसीह की पहचान यहोवा के दूत के रूप में बताई गई है, परमेश्वर की सेना के प्रधान के रूप में बताई गई है, और विनाशक स्वर्गदूत के रूप में यीशु मसीह की पहचान पुराने नियम के अंदर बताई गई है। उसके बाद जिब्राइल, मिकाइल और सेना के प्रधान के बारे में भी बाइबल में बताया गया है। इंपॉर्टेंट स्वर्गदूत जो हैं, जिब्राइल, मिकाइल और प्रिंस ऑफ द होस्ट, प्रिंस ऑफ द होस्ट यानी कि सेना का सिर्फ प्रधान नहीं लेकिन सेना के प्रिंस के बारे में भी बाइबल के अंदर बताया हुआ है। देखिए, जिब्राइल और मिकाइल के बारे में बाइबल के अंदर हम अलग अलग जगहों के ऊपर पढ़ते हैं, खास तौर से हम दानियल की पुस्तक में और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में और उसके बाद यहूदा की पत्री के अंदर हम मिकाइल के बारे में पढ़ते हैं। और हम कहते हैं कि जिब्राइल और मिकाइल जो है वो दोनों ही प्रधान स्वर्गदूत हैं, लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि जिब्राइल को कभी भी बाइबल के नए और पुराने नियम के अंदर प्रधान स्वर्गदूत की संज्ञा नहीं दी गई। ये हम मसीही लोगों ने जिब्राइल को ये ओहदा दे दिया है, बाइबल के अंदर जिब्राइल को प्रधान स्वर्गदूत नहीं कहा गया है।
सिर्फ मिकाइल को यहूदा की पत्री पहला अध्याय उसके 9वें वचन के अंदर प्रधान स्वर्गदूत कहा गया है, सिर्फ मिकाइल। और मिकाइल जो है वो प्रधान स्वर्गदूत है, लेकिन वन ऑफ द चीफ उसको कहा गया है, यानी प्रधान स्वर्गदूतों में से एक उसको कहा गया है दानियल की पुस्तक में। यानी कि अकेला मिकाइल जो है वो प्रधान स्वर्गदूत नहीं है, लेकिन और भी दूसरे प्रधान स्वर्गदूत हैं, ठीक है। तो सिर्फ मिकाइल को प्रधान स्वर्गदूत बाइबल में बोला गया है, जिब्राइल को प्रधान स्वर्गदूत नहीं बोला गया है। लेकिन जिब्राइल और मिकाइल के साथ साथ एक और है दूत जिसको प्रिंस ऑफ द होस्ट कहा गया है, यानी यहोवा की सेना का प्रिंस उसको कहा गया है। और वो कौन है और उसके बारे में कहां पर लिखा हुआ है? दानियल की पुस्तक के 8वें अध्याय के अंदर एक दर्शन देखता है जिसमें वो एक मेड़े को देखता है, एक बकरे को देखता है। वो मेड़ा और बकरा आपस में लड़ रहे होते हैं, और जब वो आपस में लड़ रहे होते हैं तो दानियल की पुस्तक उसका 8:10-11 में इस बात को बताया गया है कि एक छोटा सींग जो है वो निकलेगा, और वो छोटा सींग जब निकलेगा तो फिर वो क्या करेगा। हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं, दानियल की पुस्तक उसका 8:10-11। यहां पे लिखा हुआ है उस छोटे सींग के बारे में बताया गया है कि वह छोटा सींग जो होगा वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया, और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला, वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया। स्वर्ग की सेना के प्रधान तक वो बढ़ गया, यानी कि स्वर्ग की सेना के प्रिंस तक वो बढ़ गया। यहां पर इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पर प्रिंस शब्द का प्रधान की जगह प्रिंस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कि स्वर्ग की सेना के प्रधान को भी उसने चैलेंज करना शुरू कर दिया। यहां पर इस बार ये परमेश्वर की सेना का प्रिंस आखिर है कौन, ये है कौन जिसको यहां पर प्रिंस बोला गया है। उसके बाद हमने इस बात को देखा था यहोशू उसके 5 अध्याय और उसके 14वें वचन में कि यहोवा की सेना का प्रधान जो था, कमांडर ऑफ याहवेज आर्मी जो था, उसके बारे में बताया है कि वो हाथ में नंगी तलवार लिए हुए खड़ा हुआ था। अब यहां पर ये दूसरा व्यक्ति आ जाता है जिसको कमांडर से भी ऊपर बताया जा रहा है। हमने देखा कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की सेना का सुप्रीम कमांडर, तो अब ये बंदा कौन है जिसके लिए दानियल ने लिखा कि वो तो जो छोटा सींग था वो तो कमांडर तक नहीं, लेकिन वो तो प्रिंस जो है सेना का वहां तक बढ़ गया, उसको भी उसने चैलेंज कर दिया। और इसका औदा जो बताया गया है, ये प्रिंस जो है जिसको दानियल ने यहाँ पे प्रिंस कहा है स्वर्ग की सेना का, इसका औदा जिब्राइल और मिकाइल से भी ऊपर दानियल की पुस्तक में बताया गया। इसका औदा कैसे बताया गया है? दानियल उसका 8:15-26 जब आप पढ़ेंगे तो ये दर्शन जो दानियल ने मेड़े का, बकरे का, सींग का जो देखा था, ये दानियल को समझ नहीं आता है। तो ये व्यक्ति जो होता है, ये पुरुष जो होता है जिसको प्रिंस कहा गया है, प्रिंस ऑफ होस्ट इसको कहा गया है, यानी स्वर्गीय सेना का प्रिंस इसको कहा गया है, ये ऑर्डर मारता है। दानियल की पुस्तक 8:15-26 को पढ़ेंगे तो ये प्रिंस जो है ये ऑर्डर देता है जिब्राइल को, कि जिब्राइल को ऑर्डर देता है कि जा करके दानियल को दर्शन की सारी बातें समझा दे। यानी इसका औदा कितना बड़ा है कि ये मिकाइल को ऑर्डर दे रहा है, इसीलिए इसको प्रिंस कहा गया है। उसके बाद दानियल उसके 10वें अध्याय में वापस से हमको यही आदमी जो है वो दिखाई देता है, वापस से दिखाई देता है। दानियल उसके 10:5-6 में वापस से ये व्यक्ति जो था वो दिखाई देता है, और इसका पूरा विवरण जो है वो दानियल लिखता है। ये जिब्राइल नहीं था, ये मिकाइल नहीं था, लेकिन ये कोई दूसरा व्यक्ति था। और इसके बारे में दानियल उसके 10वें अध्याय के 5 और 6 वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से आप उस बात को सुने,
क्योंकि मैं इसको प्रकाशित वाक्य में ले जा करके कनेक्ट करने वाला हूं कि ये प्रिंस कौन है, परमेश्वर की सेना का, जो जिब्राइल को भी ऑर्डर देता है, जो मिकाइल के लिए कहता है कि मिकाइल ऐसा काम करेगा, यानी इसका औहदा जिब्राइल और मिकाइल से भी ऊपर है। ये कौन है? यहां पे लिखा हुआ है, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी और उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से थे। उसके पांव पीतल के से थे, याद रखिए। और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। यहां पर इस प्रधान की आइडेंटिटी पूरी बताई गई है। दानियल ने उसको देखा कि ये प्रधान जो है वो इस तरह के कपड़े पहना था, बेल्ट लगाया हुआ था, उसकी आंखें जो थी वो दीपक यानी ज्वाला के समान थी, पैर जो थे वो पीतल के समान थे। ये व्यक्ति जो था, ये प्रधान जो था, ये प्रिंस जो था, वो वास्तव में कौन था? प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 13 से लेकर 15 वचन पढ़ें तो वहां पर इस प्रिंस के बारे में यही बात बताई गई है कि ये प्रिंस वास्तव में कौन है। यूहन्ना क्या कहता है? और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश्य एक पुरुष को देखा। पुरुष, यहां पर भी पुरुष की बात की जा रही है, जो पांव तक का वस्त्र पहने था। पांव तक का, वो कौन था? वो सन का वस्त्र पहने हुए था, ये भी पांव तक का वस्त्र पहने था, और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। यानी कि परमेश्वर की सेना का ये प्रिंस जो है, जिसको दानियल ने दर्शन के अंदर देखा, वो वास्तव में यीशु मसीह को दानियल अपने दर्शन के अंदर देख रहा था। यहां पर ये कोई और दूत नहीं है जो कि यीशु मसीह से भी ऊंचा औहदा रखता हो, लेकिन यहां पर यीशु मसीह के बारे में ही बताया जा रहा है, क्योंकि जो दानियल ने उसकी पहचान बताई, वही पहचान यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह की बताई है। दानियल उसका 12 अध्याय 5 से लेकर 7 वचन पढ़ें तो वहां पर जिब्राइल और मिकाइल तो खड़े हुए होते हैं, और जिब्राइल और मिकाइल तो खड़े हुए रहते हैं, और एक दोनों में से एक, बताया नहीं है कि जिब्राइल पूछता है या मिकाइल पूछता है, लेकिन एक और पुरुष जो है जो सन का वस्त्र पहने हुए था वो अलग खड़ा रहता है। जिब्राइल और मिकाइल तो अलग खड़े रहते हैं, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति जो कि प्रिंस है वो अलग खड़ा रहता है, और इन दोनों में से एक जन जो है वो उस प्रिंस से पूछते हैं कि भाई इन सब बातों का अंत कब होगा, अंत का दिन कब आएगा। और वो व्यक्ति जो सन का वस्त्र पहने हुए था, जो प्रिंस था, अपना हाथ उठा करके कहता है कि जब तक इतने इतने दिन नहीं बीत जाएंगे तब तक अंत नहीं आएगा। तो ये व्यक्ति जो था, जो अंत के बारे में दानियल को बता रहा था, परमेश्वर की सेना का प्रिंस जो था, वो और कोई भी नहीं था, वो कमांडर ऑफ यहवेज आर्मी था, वही एंजल ऑफ यहवे था, वही डिस्ट्रॉयर एंजल था, जिसके बारे में पुराने नियम में अलग अलग जगहों के ऊपर बताया गया है। और ये सारी पहचान जो है वो नए नियम में यीशु मसीह की बताई गई। तो हम पुराने नियम में यीशु मसीह को यहोवा के दूत के रूप में काम करते हुए देख लेते हैं, और जब जब उसने काम किया यहोवा के दूत के रूप में, वो एक भविष्यवाणी थी कि जब उसका जन्म देहधारी रूप में होगा, जब वो देहधारी होकर के आएगा, इस मानव शरीर को धारण करेगा, तब वो वही सारे कामों को अंजाम देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्वर्गदूतों के बारे में जो पुराने नियम के अंदर बताया गया है,
उनकी आइडेंटिटी यीशु मसीह के अंदर जा करके कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद सेकंड टेंपल पीरियड जो था, सेकंड टेंपल पीरियड में जो यहूदी लोग स्वर्गदूतों के बारे में जो मान्यताएं रखते थे, वो मान्यताएं भी हमको जान लेनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम यहूदी मान्यताओं को समझ जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि आज जो हम मान्यताएं हमने पाल रखी हैं कि स्वर्गदूत ये करते हैं वो करते हैं, वो सारी मान्यताएं जो है वो खत्म हो जाएंगी और सही शिक्षा हमारे पास आ जाएगी। तो सेकंड टेंपल पीरियड के अंदर जब परमेश्वर का दूसरा मंदिर बनाया गया था, और जब तक दूसरा मंदिर का विनाश नहीं हुआ 70 एडी तक, तब तक यहूदी लोग स्वर्गदूतों के बारे में ऐसी मान्यता रखा करते थे कि जितनी भी प्राकृतिक शक्तियां परमेश्वर ने बनाई हैं, उन सारी प्राकृतिक शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर ने एक एक स्वर्गदूत को नियुक्त किया है। और कौन कौन सी प्राकृतिक शक्तियों को स्वर्गदूतों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यहूदी लोग माना करते थे। यहूदियों की एक पुस्तक है जिसको जुबलियों की पुस्तक कहा जाता है। उस जुबलियों की पुस्तक के दूसरे अध्याय के पहले और दूसरे वचन के अंदर ये बात लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा। और यहूदी लोग माना करते थे कि आग के ऊपर परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को अधिकार दिया है, हवा के ऊपर दिया है, बादल के ऊपर दिया है, अंधकार के ऊपर दिया है, बर्फ के ऊपर दिया है, ओले के ऊपर दिया है, ओले जो बरसते हैं उसके ऊपर भी किसी एक स्वर्गदूत का अधिकार परमेश्वर ने ठहराया है, पाला जो पड़ता है उसके ऊपर भी एक स्वर्गदूत का अधिकार परमेश्वर ने ठहराया है, बिजली जो कड़कती है उसके ऊपर भी एक स्वर्गदूत का अधिकार है। और इसीलिए अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर तो बिजली गिराने का उपयोग जो है वो अपने शत्रुओं को दंड देने के लिए भी करता है, इसीलिए लिखा हुआ है। गर्जन जो होती है उसके ऊपर एक स्वर्गदूत नियुक्त है, ठंडा जो होता है, कोल्ड जो होता है उसके ऊपर एक स्वर्गदूत नियुक्त है, गर्म के ऊपर नियुक्त है, सर्दी गर्मी बरसात बसंत कटनी का समय जो होता है, और जितनी भी चीजें परमेश्वर ने नेचुरल बनाई है उन सब के ऊपर एक एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने अधिकार दिया। और यही मान्यता जो है वो हमको प्रकाशित वाक्य में भी देखने को मिल जाती है। तो ये बात नहीं है कि सिर्फ ये यहूदी मान्यता है, प्रकाशित वाक्य में भी ऐसा बताया हुआ है कि पानी के स्वर्गदूत ने ऐसा किया, एक स्वर्गदूत जो था वो सूरज के ऊपर खड़ा हुआ था, तारे जो है वो गिर गए। इन सब बातों के बारे में बाइबल के अंदर भी बताया गया है, सिर्फ जुबलियों की पुस्तक में इस बारे में नहीं बताया गया है। देखिए, जब यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, या स्वर्ग जो है स्वर्ग की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तो यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या था? यीशु मसीह ने इस बात को बताया था, यीशु मसीह ने यह नहीं कहा था कि एस्ट्रॉइड आएंगे या चांद अपनी जगह से टल जाएगा। वो तो टल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का यूनिवर्सल लॉ है, चांद अपनी जगह पर रहेगा, पृथ्वी अपनी जगह पर रहेगी, सूरज अपनी जगह पर रहेगा जब तक परमेश्वर नहीं चाहे। लेकिन स्वर्ग की शक्तियां हिलाई जाएंगी, उसका मतलब यह है, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से लेकर 9 वचन के अंदर बताया गया है कि ये स्वर्गदूत जो कि प्लैनेट्स के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं शैतान और उसके दूत, उन तारों को नीचे फेंक दिया जाएगा, उन स्वर्गदूतों को नीचे फेंक दिया जाएगा, स्वर्ग की शक्तियों को हिला दिया जाएगा, उनको फेंक दिया जाएगा। समझने बात। दूसरी बात जो उस जमाने के अंदर मानी जाती थी, सेकंड टेंपल पीरियड के अंदर, कि स्वर्गदूत जो हैं वो इंसान की मदद करने के लिए फिजिकल फॉर्म धारण करके उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। जब जब इंसान को उनकी मदद की जरूरत होती है तो स्वर्गदूत फिजिकल फॉर्म धारण कर लेते हैं। हमने इस बात को कल देखा था कि स्वर्गदूतों के पास अपना शरीर होता है, लेकिन यहूदी मान्यता में यह माना जाता है कि स्वर्गदूत जब चाहे आत्मा बन जाते हैं, जब चाहे वो अपना फिजिकल फॉर्म ले लेते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि दोनों ही बातें जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर सही, और ये मदद करने के लिए तुरंत आ जाते हैं और लोगों को बचा लेते हैं। और यहूदियों के अंदर कई सारी ऐसी कहानियां हैं जिसमें
सेकेंड टेम्पल पीरियड के अंदर बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति मुश्किल के अंदर था तो वो उसको बचाने के लिए रूप धारण करके आ गए थे। उसके बाद उस जमाने के अंदर ये माना जाता था कि ये स्वर्गदूत जो होते हैं वो परमेश्वर के भक्तों की रक्षा करते हैं, उसको गार्ड करते हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के जो भक्त हैं उनके चारों ओर यहोवा का दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है, छावनी किए हुए बचाता है। लेकिन उस जमाने के अंदर एक और मान्यता पाई जाती थी, वो भी बहुत ध्यान से आप सुन लें, यहां तक तो बहुत अच्छा लगा कि यहोवा का दूत छावनी किए हुए चारों ओर उसके लोगों को बचाता है, यहां तक तो अच्छी मीठी बात है। लेकिन उस जमाने में माना जाता था कि यदि वही यहोवा का भक्त गलत काम करने लगता है, परमेश्वर के विरोध में काम करने लगता है, तो यही गार्ड करने वाला एंजल जो होता है वो उसका नाश भी कर देता है, नाश भी कर देता है। यदि वो बचाता है गलत काम करने पर वो नाश भी कर देता है। ये यहूदी मान्यता में सेकंड टेम्पल पीरियड में माना जाता। तो आप जो इस बात की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने स्वर्गदूत के द्वारा तू मेरी रक्षा करना, चारों ओर छावनी बना करके रखना, तो परमेश्वर तो बना करके भेज देगा छावनी को, लेकिन यदि आप गलत काम करेंगे जीवन में, परमेश्वर के विरोध में जाते ही चले जाएंगे, तो वही दूत जो छावनी किए होगा, जो गार्ड कर रहा होगा, वो विनाश भी कर सकता है। उसके बाद ये इन स्वर्गदूतों के लिए माना जाता था कि कई सारे स्वर्गदूत जो हैं वो इंसान की तरफ से स्वर्ग में निवेदन करते हैं, इंटरसीड करते हैं, परमेश्वर को निवेदन करते हैं कि वो फलाना व्यक्ति जो है इतने दुख उठा रहा है, आप उसकी मदद करिए प्रभु। उस जमाने में ऐसा माना जाता था और ये बाइबल के अंदर भी ये बात जो है वो बताई गई है। कैसे बताई गई है? यीशु ने इस बात को अपने शिष्यों से कहा कि तुम इन छोटे से छोटों को भी तुच्छ मत जानना, क्योंकि स्वर्ग में इनके दूत जो हैं वो मेरे पिता का चेहरा देखते रहते हैं, मेरे पिता के सामने खड़े रहते हैं, यानी कि वो निवेदन वहां पर लोगों के लिए करते रहते हैं कि प्रभु आप उसकी मदद करिए। जब तक परमेश्वर ऑर्डर नहीं देगा तब तक स्वर्गदूत कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर की इच्छा के विरोध में सिर्फ इंसान जा सकता है, बाकी पूरे सृष्टि के अंदर किसी की भी इतनी हैसियत नहीं है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कोई चला जाए, क्योंकि सबको पता है कि परमेश्वर से ज्यादा शक्तिशाली और कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। उसके बाद ये निवेदन करते हैं परमेश्वर के सामने, प्रार्थना करते हैं, और कभी कभी जब लोगों को परमेश्वर की बात समझ में नहीं आती है तो ये उस बात को समझाने के लिए भी आते हैं। इनको इंटरप्रेटर एंजल्स भी कहा जाता है, जो इंटरप्रेट करते हैं बात। और ये बात हमको कहां पे मिलती है? जब दानियल को यर्मिया भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी समझ नहीं आ रही थी, वो गलत कैलकुलेशन कर रहा था। 70 सालों की जो भविष्यवाणी थी, मैंने अभी जो दानियल का अध्ययन मैं दे रहा हूं और जो दानियल का अध्ययन कर रहे हैं उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैंने इस बात को बताया दानियल के अध्ययन में कि दानियल जो था वो यर्मिया की 70 सालों की भविष्यवाणी की दानियल ने गलत कैलकुलेशन कर ली थी, दानियल को समझ में नहीं आ रहा था, तो स्वर्ग से आज्ञा दी जाती है जिब्राइल को कि तुरंत वेग से उड़ करके जा और दानियल को जा करके यर्मिया की भविष्यवाणी समझा करके आ। तो ये इंटरप्रेट करने के लिए भी आते हैं, परमेश्वर के संदेश को ये समझाने के लिए भी आते हैं कि वास्तव में परमेश्वर आखिर बोलना क्या मांग रहा है। तो सेकंड टेंपल पीरियड के अंदर स्वर्गदूतों के इन कामों के बारे में वो उनकी मान्यता प्रचलित थी कि स्वर्गदूत ऐसे ऐसे कार्य इंसान के लिए करते हैं, वो इंसान को बचाने के लिए तुरंत ही फिजिकल फॉर्म लेकर के पहुंच सकते हैं। ये बात सेकंड टेंपल पीरियड के यहूदी लोग माना करते थे। तो आज के इस अध्ययन के अंदर हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण स्वर्गदूतों के बारे में देखा और उनकी पहचान हमने देखी कि और कुछ भी नहीं
जिन महत्वपूर्ण स्वर्गदूतों के बारे में बताया हुआ है, मिकाइल और जिब्राइल को छोड़ करके उस वो और कुछ भी नहीं, वो यीशु मसीह के बारे में ही बताया हुआ है। और सेकंड टेंपल पीरियड के अंदर जो यहूदी मान्यता थी स्वर्गदूतों के बारे में, उसके ऊपर भी आज के इस लेसन के अंदर हमने थोड़ा सा विचार करने का प्रयास किया है। अब नए नियम के अंदर स्वर्गदूतों के बारे में क्या बताया गया है, उसको हम इसी अध्ययन के तीसरे भाग के अंदर देखने का प्रयास करेंगे, और हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो प्रारंभिक कलीसिया थी वो स्वर्गदूतों को किस नजरिए से देखा करती थी, क्योंकि अब पवित्र आत्मा भी उतर आया था तो स्वर्गदूतों का रोल जो था वो लिमिटेड हो गया था। तो प्रारंभिक कलीसिया स्वर्गदूतों के बारे में आखिर क्या विचारधारा रखा करती थी, उसको इसी अध्ययन के तीसरे भाग में हम समझने का प्रयास करेंगे।